हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शंकर कॉम्पिटेटिव क्लासेस। हम लोग पॉलीनोमियल पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x4 प्लस 6x³ -2x² -10x -5। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और टू जीरोज दिया हुआ है √5/3 एंड -√5/3। चलिए करा ऑल अदर जीरोज, इसके अलावे भी और जीरोज होंगे उसको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, पावर कितना है? 4 है। जब पावर 4 है तो इसके कितने जीरोज आएंगे? 4 जीरोज आएंगे। इससे पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि जितना डिग्री का पॉलीनोमियल रहेगा उतना ही जीरोज आएगा, है ना। तो 2 जीरोज दिया हुआ, 2 जीरोज किस में आता है? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में आप पढ़ चुके हैं कि 2 जीरोज आता है, तो उसको फैक्टर के रूप में किस तरह से लिखते थे? x-α × x-β, है ना। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा चुके हैं, वहां जाकर के आप देख लीजिए x-α और x-β। जब 2 जीरोज दिया हुआ है तो इसको नहीं लिख सकते हैं, x-α के जगह पे इसको रख दिए तो ये हो गया हमारा, है ना। और x-β, बीटा के जगह पे ये रख देंगे, ये क्या हो जाए x-β के जगह क्या रखोगे? -√5/3, है ना। लिख दीजिए, तो यहां से हम क्या देखे बच्चों, x-√5/3 और इंटू x-, क्या हो गया? +√5/3। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, x-α × x-β, है ना, इसको इस रूप में लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करें, a-b × a+b का फॉर्म है, तो हम क्या लिखेंगे? a² - b²। जब इसको लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, x² - √5² क्या हो जाएगा? 5। √3² क्या हो जाएगा? 3। यानी कि जब 2 जीरोज हमारे पास दिया हुआ था तो उन 2 जीरोज का प्रयोग करके हम क्या कर दिए, हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बदल दिए। अब देखिए बच्चों, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px = इतना, है ना, और एक पॉलिनोमियल हमारे पास मान लीजिए gx = इतना दिया हुआ है। क्या हम qx निकाल सकते हैं? तो पिछले क्लास में ही पढ़े थे, gx को जब हम px से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? एक दूसरा पॉलिनोमियल qx आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि gx को px, gx से px को डिवाइड करेंगे, यानी हमारा ये gx जो मान करके चले हैं उससे यदि हम डिवाइड कर देंगे किसमें, 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x - 5। जब ऐसा हम करेंगे हमारा qx दूसरा पॉलिनोमियल निकल करके आ जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x² x⁴ है, वो पावर घट रहा है ना, x² से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो x² × x² 4 हो जाएगा, लेकिन साथ में साथ कितना है? 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे x² में हमारा आएगा 3x⁴। अब देखिए -5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² में, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5x², तो x² वाले के सामने क्या लिख देंगे, -5x². अब इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ से उतर गया हमारे पास 6x³ +5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? +3x² -10x - 5, है ना।
अब देखिए सिक्स एक्स क्यू लाना है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स का पावर थ्री लाना है, टू है ही हमारे पास, तो एक घट रहा है, तो हम क्या करेंगे प्लस सिक्स भी लाना है, तो सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये समझ गए होंगे आप। तो इसको सिक्स एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स क्यूब। अब माइनस फाइव बाई थ्री को फिर मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एक्स में, कितना जाएगा, तीन गुना माइनस टेन एक्स, माइनस टेन एक्स। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हमारा चेंज हो गया, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया हमारा कैंसिल, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब देखिए थ्री से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हमारा कितना आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। अब माइनस फाइव बाई थ्री को जब मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, माइनस फाइव। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो लो ये भी हो गया जीरो, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसको हम पी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, जी एक्स इंटू, यदि ये पी एक्स है और ये जी एक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, है ना। यहाँ से हम क्या निकाल लिए, टू जीरो तो दिया हुआ ही था, अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिए तो इससे हम जीरोस निकाल सकते हैं, कैसे फैक्टर कर देंगे, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, चलिए इतना समझ गए होंगे आप। अब हमारा काम क्या है, इसका फैक्टर करना है, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ से दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकाल लिए। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये हमारा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री, ये है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए तीन कॉमन है सब में, तो तीन बाहर कर लिए, बच गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। या इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू वन, है ना, प्लस वन स्क्वायर। देखिए लिख सकते हैं ऐसा, क्या ऐसा इसलिए किए कि हमारा दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसी को हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। जब फैक्टर कर दिए तब हमको जीरोस का राह निकालना, तब बताइए आप जीरोस कब होगा, जब एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, है ना, तभी तो जीरोस आएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालिए बच्चों, एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन। ये देखिए हमारा दो जीरोस निकल के आ गया, है ना, दो जीरोस दिया हुआ था, दो जीरोस और निकाल के ले आए, है ना, यही हमारा पूछ रहा था, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, करा ऑन डिवाइडिंग एक्स का पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक्स का पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, है ना, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब कह रहा है जी एक्स से इसको डिवाइड करना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है अपनी भाषा में लिख लेते हैं, कोशेंट एंड रिमाइंडर दिया है, कोशेंट हमारा दिया हुआ है एक्स माइनस टू और रिमाइंडर हमारा कितना दिया हुआ है बच्चों, माइनस टू एक्स प्लस फोर। जी एक्स फाइंड करने बोल रहा है, तो हम क्या जानते हैं बच्चों कि हमारा जो पी एक्स होता है ये किसके बराबर होता है, किसके इक्वल टू होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लस रिमाइंडर क्या होता है, ऐड हो जाता है, ये आप जानते हैं ना। अब देखिए यहां से हमको जी एक्स निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले जो प्लस में है उसको हम इधर ले आते हैं, है ना, तो इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और ये क्या हो जाएगा, जब इधर लाएंगे तो प्लस वाला माइनस,
माइनस टू एक्स प्लस फोर, बाकी जो इधर है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस प्लस माइनस फोर, यह हो गया जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, है ना। चलिए तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों, है ना, थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, या जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा इक्वल टू, देखिए यहाँ इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड, फिर से आगे डिवाइड करना है हमको, है ना। तो आइए जी एक्स निकालने के लिए एक्स माइनस टू से डिवाइड कर देते हैं, एक्स माइनस टू से जब हम डिवाइड करेंगे एक्स का पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू में, तो हमारा क्या आ जाएगा जी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए कितने मार्क लगेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस टू को एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, साइन चेंज कर देंगे, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब देखिए कितने वर्क लगेगा, जब हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, यहां से साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया कैंसिल, थ्री एक्स में टू एक्स दिया एक्स माइनस टू। अब कितने बार लगेगा बच्चों, प्लस वन से लगाएंगे, प्लस वन से जब मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस टू से तो एक्स माइनस टू ही होगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल होकर के क्या हो गया जीरो। तो देखिए डिवाइड करने पे क्या आया हमारा जी एक्स का मान क्या होता है, जब इस पे इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमारा इतना आया, तो हम कह सकते हैं जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक करें बच्चों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी नए नए कॉन्सेप्ट लाएं तो आपको इसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।